और इस बीच बड़ी खबर मेरठ से, लंदन से लौटी एक और महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। महिला के भाई की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो लंदन से लौटी महिला में कोरोना की पुष्टि। मेरठ से बड़ी खबर, महिला के भाई की भी रिपोर्ट पॉजिटिव। 11 दिसंबर को लंदन से मेरठ लौटी थी महिला। मेरठ में लंदन से लौटी महिला जो कि कोरोना पॉजिटिव, हालांकि उसका भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 11 दिसंबर को लंदन से मेरठ लौटी थी महिला। मेरठ में लंदन से लौटे चार लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। संत विहार कॉलोनी, मानसरोवर कॉलोनी हॉटस्पॉट घोषित। तो बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से। अभिषेक हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लंदन से लौटी एक और महिला में कोरोना की पुष्टि, उसका भाई भी कोरोना पॉजिटिव, क्या कुछ खबर आपके पास? अभिषेक, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो बड़ी खबर है इस वक्त की मेरठ से, लंदन से लौटे चार लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। संत विहार कॉलोनी, मानसरोवर कॉलोनी हॉटस्पॉट घोषित। बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से, जहां लंदन से लौटी एक और महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। अभिषेक हमारे साथ है, एक बार फिर जुड़ चुके हैं सहयोगी। अभिषेक, पूरी खबर बताइए। देखिए, 11 दिसंबर को ये महिला लौटी थी, मानसरोवर कॉलोनी है सिविल लाइन्स में, साकेत जो मेरठ की सबसे पॉश कॉलोनी है उससे लगती भी ये मानसरोवर है। और मानसरोवर कॉलोनी के आगे ही जिलाधिकारी का बंगला, निकट में आईजी का बंगला है, तो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ये वीवीआईपी एरिया है। 11 दिसंबर को ये लौटनी है, और उसके बाद जब ये सूची बननी शुरू हुई विदेश विभाग के अनुसार कि कितने लोग लंदन से, ज्यादातर ब्रिटेन से लौटे हैं, उसके बाद जब इनका टेस्ट हुआ आरटीपीसीआर, उसमें ये पॉजिटिव आई हैं। तीन आज सुबह पॉजिटिव आए थे लंदन से लौटे, वो संत विहार कॉलोनी के रहने वाले थे। इसके बाद तुरंत एक्शन में आया है प्रशासन, और संत विहार कॉलोनी और मानसरोवर कॉलोनी के उस ब्लॉक को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। और बहुत दिनों बाद ऐसा देखा गया है कि बल्लियां लगा के जो कोरोना काल की शुरुआत में होता था मार्च में, अप्रैल में, राहुल और मई तक के महीने में, कि उस पूरे एरिया को सील किया जाता था जिससे पूरे कॉलोनी के लोग सैचुरेटेड हो जाएं, आइसोलेटेड हो जाएं घरों के अंदर, जिससे संक्रमण ना फैले। ये तब किया जा रहा है कि ये आशंका है कि कहीं इनमें ब्रिटेन में जो कोरोना का स्ट्रेन फैला है इस समय, दूसरा जो खतरनाक 70% वाला, 70% तेजी से चलता है, वो स्ट्रेन ना हो। इसके लिए सेंट्रल लेबोरेटरी को इन चारों की रिपोर्ट भेजी गई है। सुबह उन तीन जो पॉजिटिव मिले थे, दंपत्ति और उनके बच्चे, उनकी रिपोर्ट भेजी गई थी। अब शाम को इनका सैंपल लेकर इनकी रिपोर्ट भेजी गई है, और अभी जांचें जारी हैं, क्योंकि 77 लोगों में से 50 लोगों की जांच हो चुकी है। कुल मिलाकर 85 लोग लंदन से जो लौटे हैं उनको ट्रेस कर लिया गया है मेरठ में, और अब उनकी सैंपलिंग शुरू की जा रही है। दुआ ये करनी चाहिए कि इनमें नया स्ट्रेन ना मिले, जो भारत में कोरोना का लक्षण है उसी से ये संक्रमित हुई, या लंदन से ही संक्रमित होके आई हैं, ये सबसे बड़ा सवाल चिंता का है राहुल। इसके अलावा अभिषेक, एक सवाल ये भी कि 11 दिसंबर को ये महिला लौटती है, हालांकि अब कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, और दूसरी ओर उसका भाई भी कोरोना पॉजिटिव, तो ऐसे में कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री क्या कुछ रही, क्या इसकी भी जाँच पड़ताल, या इसे भी स्वास्थ्य विभाग खंगालेगा? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग इस बात को देख रहा है कि कॉन्टैक्ट कितने लोगों से इनकी चैन बनी है, कितने लोगों से मिली है, क्योंकि 15 दिन का समय हो गया लंदन से आने के बाद, और ऐसे में जब कोई बाहर से आता है तो अपने नाते रिश्तेदार उनसे मिलने आते हैं, एक कॉमन फैक्टर है। कभी भी कोई ये 1.5 साल बाद इंडिया लौटी है, पूरा कोरोना पीरियड इन्होंने लंदन में काटा उस समय, और उसके बाद ये काफी समय बाद आई है जो अभी तक केस हिस्ट्री निकल के आ रही है। तो ऐसे में इनके रिश्तेदारों से इनकी जरूर मुलाकात हुई है, मार्केट में ये घूमी होंगी, और किस किस जगह ये गई हैं इसकी पूरी सूची बनाई जा रही है। अभिषेक, धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और ट्रेवल हिस्ट्री इस महिला की खंगाली जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त मेरठ से बता रहे हैं, लंदन से लौटी एक और महिला कोरोना पॉजिटिव, उसका भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया।